दरभंगा बिजली NH-57 सीता पेट्रोल पंप के पास वाव रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव ने फीता काट कर किया, जहां पूर्व विधायक फराज फातमी भी मौजूद थे। यह रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट से बिल्कुल ही अलग है। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर इतना शानदार है जैसे लगेगा आप किसी महानगरों व बड़े शहरों की रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट के ओनर शिव शर्मा ने बताया कि यहां पे हमने 5-स्टार और 3-स्टार के शेफ को रखा है, जहां खाना का टेस्ट आपको उत्तम क्वालिटी का मिलेगा। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि एक बार हमारे रेस्टोरेंट अवश्य पधारे। देखिए अपना मिथिलांचल दरभंगा विकास की ओर अग्रसर है, उसी करीब है और जो आपका रेस्टोरेंट का जो आज और वाटर पार्क का भी आगे विस्तार हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि दरभंगा विकास कर रहा है और विकास के करीब में इस तरह के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और बड़ा अच्छा भव्य रूप से लोगों को शहर से बाहर लोग चाहते हैं जाके कि अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाए परिवार के साथ। तो ये पारिवारिक माहौल के लिए और बच्चे लोगों के लिए वाटर पार्क वगैरह भी आगे विस्तार हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग को दरभंगा का जितना तरक्की हो और हमारे गुप्ता जी हैं और इस तरह का ये लाए तो ये भी धन्यवाद के पात्र है कि दरभंगा के विकास में ये सब एक बहुत बड़ा कदम है और ये दरभंगा का विकास होगा तो लोगों का विकास होगा, सब आम लोगों का विकास होगा। तो दरभंगा का जितना विकास हो और उसमें हम गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस तरह का ये पब्लिक के लिए आम लोगों के लिए इस तरह से भव्य रेस्टोरेंट और वाटर पार्क का भी आगे विस्तार कर रहे हैं, तो इनको जितना भी बधाई दी जाए कम है, हम इनको बधाई देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी इनका वृद्धि हो और भी विस्तार रूप में इसको और विस्तार करें, यही हम लोगों का शुभकामना। इनका उद्घाटन करने आए हैं, क्या टेस्ट किए यहाँ पे, क्या नाम है रेस्टोरेंट का? सबसे पहले मैं अनवर भाई जो इसके समझिए कर्ता धर्ता हैं इस रेस्टोरेंट के, वाव रेस्टोरेंट का नाम रखा है इन्होंने, तो वाव तो मतलब जानते हैं अंग्रेजी का हिंदी वर्जन यही होता है कि बहुत कुछ बहुत शानदार। अगर इसका इंटीरियर ही देखेंगे अगर आप रेस्टोरेंट का तो वाव ही कहिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हाईवे पर इतना बेहतरीन इंटीरियर किसी का होगा। और क्वालिटी वाइज अगर देखिएगा तभी मैंने पनीर टेस्ट किया है, पनीर एक फ्राई पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त शानदार इनका लगा, तो मैं इनको अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि क्योंकि आज लोग चाहते हैं, दरभंगा की जनता चाहती है कि अच्छा अच्छी जगह जाएं अपनी फैमिली को लेकर के, अच्छा खाना अच्छे प्राइस पे क्वालिटी स्टैंडर्ड सब मेंटेन्ड हो, तो निश्चित तौर पे इस हाईवे पे एक एक्सेस है और यहाँ से दरभंगा के साथ साथ जो इस इलाके से क्रॉस करेंगे क्योंकि तो बंगाल तक लोग जाते हैं, हाईवे है कनेक्टेड है, तो इसका फ़ायदा सभी लोगों को इसका होगा। यहाँ सर खास बात करके मिथिला के लोग बाहर में काम करते हैं, अपने परिवार के साथ जब वो आते हैं यहाँ पे तो थोड़ा बाहर का खाने का टेस्ट जरा लेना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट कितना है, क्योंकि रेस्टोरेंट का क्रेज भी बढ़ रहा है इस रूप में। देखिए भाईजान अब जो है ना दरभंगा एक दिल्ली बम्बई कलकत्ता के बराबर अब बनता जा रहा है, क्या चीज़ की कमी है यहाँ? प्रॉपर्टी भी महंगी है यहाँ पे, आपको एयरपोर्ट आ गया, दुआ करते जल्द से जल्द एम्स आ जाए,
तो कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयरलाइन की कनेक्टिविटी हो, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, दरभंगा नक्शे में आ चुका है एज ए डेवलपमेंट के नक्शे पे कहा जाए। तो लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं वापस आना चाहते हैं कि यहाँ ले करके यहाँ अपना बिजनेस क्रिएट करें। तो एक होती है ओनरशिप, एक ड्राइव होती है लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस हम इस्टेब्लिश करें। और एक चीज़ कहा ही गया है कि भाई अपना हुनर, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें इल्म के साथ साथ, तो तरक्की साथ में जुड़ेगी। तो जब बिजनेस एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है लोगों के साथ और पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है लोगों की, अब पहले ऐसा नहीं था कि पहले एक ढाबा नहीं मिलता था आपको, एक दुकान नहीं मिलती दरभंगा में 10 साल पहले अगर देख लीजिएगा, लेकिन आज आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो फैमिली के साथ आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि लोग अब बाहर निकल के चाहते हैं कि अपने फैमिली के साथ जाएं और लेकिन खाना अच्छा मिले, दिल्ली या बम्बई के स्टैंडर्ड का मिले। आज किसी शादी में चले जाइए आप, आज आप किसी शादी में, चाहे वो हमारे हिंदू कम्युनिटी की शादी हो या मुस्लिम कम्युनिटी की शादी हो, बड़ा सा बड़ा शेफ, बड़ा से बड़ी टीम, कहाँ कहाँ दिल्ली बम्बई कलकत्ता से, चेन्नई से, यूपी से लोग कुक्स बुला करके यहाँ खाना बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ताकि लोग चाहते हैं कि अच्छा खाना महसूस करें, खाएं। तो निश्चित तौर पे इसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा और यंगस्टर्स को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्राई, न्यू चीज़ ट्राई किया जाए। यहाँ इस हाईवे पे मैंने कई रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग की, सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल भी रहा है और तरक्की भी कर रहा है। तो उम्मीद ये भी करते हैं कि ये भी एक उसी तरीके से तरक्की करे, आगे बढ़े और यंगस्टर्स को इसका फ़ायदा हो कि और भी अच्छी चीज़ें इससे अच्छा खोले। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अनवर भाई को भी, और यहाँ शायद गुप्ता जी हैं, जो शिवराज गुप्ता जी जो इसके ओनर हैं, बेसिकली लीज पे लिया गया है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस रेस्टोरेंट के साथ साथ आपको जान के खुशी होगी कि इसके अंदर एक एक्वा पार्क भी बन रहा है, वाटर पार्क। तो वाटर पार्क 24 में तैयार हो जाएगा, ये कहीं नहीं है वाटर पार्क, भाई लोग चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अब गर्मी के टाइम में अगर बढ़िया यहाँ वाटर पार्क होगा तो कौन जाएगा पटना और कलकत्ता उसका मज़ा लेने के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाइए और पानी का मज़ा लीजिए, वाटर का, यही सबसे बड़ी चीज़ है।